जब भी मेडिटेशन के बारे में बात होगी तो आंखें बंद कर लेनी होंगी और ध्यान लगाना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आंखें खुली रख करके मेडिटेशन करने के बारे में। जब आंखें खुली रहेंगी तो फिर ध्यान कैसे लगेगा, किस पे ध्यान लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा और इस तरह की एक्सरसाइज से क्या फायदे होंगे, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें सही जगह पे। सही जगह यानी कि ओपन आई मेडिटेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मिरर की, आईना, शीशा, जिसमें आप चेहरा देख करके सजते संवरते हैं। तो आप अगले 10 सेकंड में अपने आप को एक मिरर के सामने पोजीशन कर लें, खड़े होकर या बैठकर, और फिर हम बात शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम बात कर रहे हैं ओपन आई मेडिटेशन के बारे में। एक सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपके जीवन में गुणात्मक सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अपने आप को एक शीशे के आगे स्थापित कर लिया है, मिरर के सामने। अब जैसे जैसे मैं आपसे बात करता चलूं, वैसे वैसे आप करते जाइएगा और फिर हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आपने अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर लिया है, ध्यान से देखिए सामने वाले व्यक्ति को जो उस मिरर में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे एक लंबी सांस खींचिए और धीरे धीरे सांस को वापस छोड़िए। ध्यान से देखिए सामने वाले व्यक्ति को देखकर क्या महसूस हो रहा है आपको। जो भी महसूस हो रहा है आप बाद में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उस व्यक्ति से पूछिए, जीवन में इस जगह तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है तुमने, आगे और कहां तक जाना है। दोस्तों, ये सामने जो व्यक्ति है उससे पूछिए, क्या कभी मैंने तुमसे झूठ बोला है, क्या कभी तुमसे वादा किया और नहीं निभाया, क्या कभी तुम्हारे साथ बेईमानी की है। अब इस व्यक्ति से पुरानी सभी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, पीछे जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो और भविष्य के लिए वादा कीजिए, आगे मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा वफादार रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे से किए हुए सारे वादे निभाऊंगा, भविष्य में मैं तुम्हारे साथ अपनी रिलेशनशिप और बेहतर करूंगा, जीवन में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, जितने वादे तुमसे पीछे किए हैं वो भी मुझे याद हैं और आगे भविष्य में वो सारे वादे पूरे करूंगा। दोस्तों, दैट्स इट। बस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे आपको हफ्ते में एक बार रिपीट करना है। कोई भी दिन समय आप चूज कर लीजिए, सैटरडे, संडे, सुबह, रात को, किसी भी समय आपको इस एक्सरसाइज को एक बार वीक में रिपीट करना है और कम से कम चार वीक जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में या नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मेरा वादा है आपसे दोस्तों कि चार हफ्ते बीतते बीतते आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे और वो एक सकारात्मक बदलाव होगा, सकारात्मक परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लग जाएंगे,
आपका बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपके आसपास कोई डिस्टर्बिंग साउंड्स नहीं होनी चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको बीच में बुलाने ना आ जाए। तो पहले से बता दें कि मुझे 10 मिनट के लिए अकेला रहना है, राइट। और कोई ऐसी चीज आसपास ना रखें जो आपका ध्यान खींच रही हो, क्योंकि आपकी आंखें खुली रहेंगी। आप आंखें बंद करके मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, आंखें खुली रखी हैं, तो आसपास कोई ऐसी चीज ना रहे जो बार बार आपका ध्यान उधर खींचे। अगर ऐसा करेंगे तो इस एक्सरसाइज के दौरान आपने सामने वाले व्यक्ति से जो वादे किए हैं वो टूट जाएंगे, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता और ना आप चाहते होंगे, राइट। तो इन सब प्रिकॉशंस के साथ ही इस ओपन आई मेडिटेशन को कीजिएगा, ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। दोस्तों बताइएगा जरूर, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपके फीडबैक से ही बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आपको जो बातें अच्छी लगती हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि उन चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि अपनी बातों का खुद से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में।